subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. बिहार में बाढ़ और जल जमाव से जहां जनता परेशान है, वहीं अब विधानसभा चुनाव की हलचल भी तेज हो गई है। चुनावी तिकड़म और दल बदल के रंग धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। इस मरतबा चुनावी गठबंधन भी बड़े दिलचस्प होंगे। बिहार में विधानसभा की 5 सीटों नाथनगर, बेलहर, सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंधा और किशनगंज में 21 अक्टूबर को चुनाव होना है और वहीं लोकसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने कल शाम उपचुनाव के लिए नाम का ऐलान कर दिया है। वाल्मीकि नगर के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि इस इकलौती सीट पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। ये सीट कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी के निधन के बाद से ही ये सीट खाली पड़ी है। वहीं आरजेडी ने संकेत दिया है कि उसकी ओर से कोई उम्मीदवार नहीं होगा। बिहार में फिलहाल जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एनडीए का उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएगा। बता दें कि बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए राम जेठमलानी का कार्यकाल साल 2022 को खत्म होना था, लेकिन पिछले दिनों उनका निधन हो गया था। लिहाजा इस सीट से जो भी नेता राज्यसभा के लिए चुना जाएगा, उसका कार्यकाल तकरीबन 3 साल का होगा। वहीं इस सीट के लिए उम्मीदवार सतीश चंद्र को साल 2014 में बीजेपी ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। तब उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। टीम खबर अपडेट।